हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट की एमबीबीएस जो बीडीएस की अभी काउंसलिंग ओपन हो चुकी है, तो स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ ओपन स्टेट के बारे में। मतलब कि जो भी लोग ऑल इंडिया कोटे से, इट्स मीन कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो कर्नाटका के नहीं है या जो कर्नाटका के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। बिकॉज कर्नाटका यार बहुत पॉपुलर स्टेट है, दो तीन चीज़ों के लिए जाना जाता है और उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसके बारे में फी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी रैंक तक वैरी करेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, फिलहाल इस पर मैंने एक प्रीवियस ईयर के भी यहाँ पर एक मैंने कट ऑफ वाला एक कॉलेज वो बनाया था वीडियो, राउंड वन राउंड टू कॉलेज वाइज कट ऑफ पे बनाया था, और उसी के भी आप पर एक एट द एंड मैंने कंक्लूजन डाला हुआ है। लेकिन अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाह रहे हो तो आपको वो वीडियो देखना होगा, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अभी फिलहाल अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो कर्नाटका यार नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बड़ा स्टेट है जहाँ पर बहुत ढेर सारे कॉलेज हैं जो कि कम फीस स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन यार यहाँ का जो कम फीस स्ट्रक्चर है वो 9.94 है, ये यहाँ का कम वाला फीस स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, दैट्स व्हाई कि कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। तो अभी हम वो भी बताएंगे कि देन फीस वाइज कॉलेज कितने कितने रैंक के अंदर क्लोज हो जाएंगे, राउंड वाइज भी। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम कंप्लीट काउंसलिंग अपडेट लाने वाले हैं जो भी कर्नाटका के आगे से आगे होंगी। यार ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड में बनाना था इसलिए मैंने आज इसको बनाया हुआ है ना। और शेड्यूल यार आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, अदरवाइज शेड्यूल साइड में आ रहा होगा। इसका रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो चुका है, 13 से लेके 17 ऑफ दिसंबर तक यहाँ का रजिस्ट्रेशन डेट दे रखा है, तो जाकर रजिस्टर करो। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ की यार एक अनोखी चीज़ ये है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन राउंड वन में ओपन होता है, राउंड टू में ओपन नहीं होता है, ना ही मॉपअप राउंड में ओपन होता है। मे बी पॉसिबिलिटी की जो मॉपअप राउंड टू होगा उसमें हो सकता है ओपन हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर इन दोनों में ओपन नहीं हुआ था। तो इसलिए कोशिश करना कि अभी आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने में काफी लोग कंफ्यूजिंग रहते हैं कि हमको एनआरआई के भी आप पर अप्लाई करना है, हमको अदर स्टेट कोटा के भी आप पर अप्लाई करना है, कि ओपन सीट के भी आप पर अप्लाई करना है। तो अगर आप नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर के भी आप पर जा रहे हो तो आप ओपन कैटेगरी जो होगी, ओपन कैटेगरी वाला होगा उस पर अप्लाई करना होगा, अदर स्टेट कोटे पर मत कर देना। अदर स्टेट कोटे की फीस बहुत ज्यादा होती है, चीज ध्यान रखना, वो सिर्फ लो रैंकर के लिए ही होता है, जो कि गुड रैंकर है उनके लिए, जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर वाला कॉलेज है उस पे आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस की बात आती है तो नंबर वन पे तो देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन चॉइस फिलिंग होती है, देन सीट अलॉटमेंट होती है, यही सारा कंप्लीट प्रोसेस रहता है। कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यार अभी हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश का भी काउंसलिंग का शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर बता दी गई है कि कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हुई है, जो भी फ्लक्चुएशन है प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, उस पर मैंने बात की हुई है उत्तर प्रदेश, बिकॉज यूपी का भी एक बहुत बड़ा नाम है जब भी एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए उसको भी जरूर देखना जाके। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कर्नाटक के थोड़ी सी डिटेल, कुछ पॉइंट्स हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। देखो अदर स्टेट कैंडिडेट अभी आयुष के लिए एलिजिबल नहीं होंगे यार, जो बीएमएस वगैरह की काउंसलिंग होगी ये ध्यान रखना, अभी आप एलिजिबल नहीं हो। आगे अगर एलिजिबिलिटी है, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। अभी अदर स्टेट वाले सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने और कट ऑफ पे बना रखी थी, वो आप जाकर देख लेना, कट ऑफ कॉलेज वाइज राउंड वाइज, और जरा पर्टिकुलर कॉलेज का अगर देखना है, फीस स्ट्रक्चर देखना है, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी फिलहाल फीस स्ट्रक्चर इनका यही है लास्ट ईयर वाला, अभी इन्होंने इस बार का फीस स्ट्रक्चर जो अपडेटेड डेटा था वो रिलीज नहीं किया आई थिंक, है ना। और जैसे ही आ जाएगा तो वो भी आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा। और अब अगर हम बात करें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, नंबर वन आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा इस बार, बिकॉज कोविड की वजह से लास्ट ईयर ऑनलाइन रखा गया, देन इस बार भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग आपका आफ्टर वेरिफिकेशन एक्टिव हो जाता है, देन सीट अलॉटमेंट, देन फिर फिजिकल रिपोर्टिंग। और कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे करना पड़ता है, नॉर्मल काउंसलिंग फॉर्म फीस पर ही पूरी, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फीस पर ही पूरी काउंसलिंग हो जाती है, इसीलिए कैंसलेशन भी ज़्यादा होते हैं, तो मॉपअप राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ एक्सटेंड भी करता है। तो अभी वो भी, और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 658 सीट्स हैं ओपन कैटेगरी के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ये आपकी हो गई यहाँ पर फीस हो गई, ठीक है ना।
और यहाँ पर आपकी रैंक हो गई, तो जिनके फीस स्ट्रक्चर 9.94 है, जिसको हम लो फीस वाला कॉलेज बोल रहे हैं अदर स्टेट वालों के टर्म्स में, उसके लिए 25,000 रैंक के अंदर होना चाहिए अगर आप राउंड वन या राउंड टू के लिए प्लान कर रहे हो तो। अब यार मॉपअप राउंड टोटली डिपेंड करता है कि वैकेंसी और कैंसिलेशन कितने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कितने तक मिल जाएगा तो 40,000 तक यार आप उम्मीद रख सकते हो। अगर 40,000 तक है तो बिल्कुल ट्राई करो, आपको चांस बन सकता है। 10 लाख रुपीज़ जो ये वाला फीस स्ट्रक्चर है, सेम फीस स्ट्रक्चर है 9.94 है ना, इस वाले फीस स्ट्रक्चर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 16 से 18 के बीच में जो फीस स्ट्रक्चर रहता है, आई थिंक एक दो कॉलेज का 14 भी रहा था लास्ट ईयर, इस बार जितना भी रहता है, इट्स मीन कि इस वाले ये जो फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज इनको छोड़ के जो बाकी के जो चार कॉलेज जिनका फीस ज़्यादा होता है उनके लिए आप अबव 50,000 रैंक से लेके 80,000 रैंक तक आप यार ट्राई कर सकते हो। अगर आप आपकी स्कोरिंग राउंड वन और टू में देखना चाह रहे हो तो 500 के अबव होनी चाहिए। अगर यही थोड़ा सा मॉपअप तक जाओगे तो आपकी 450 अबव होगी देन तब भी चलेगा, लेकिन क्या ना कि फीस थोड़ी सी ज़्यादा वाला आ रहा होगा। अब उसके बाद भी रह जाते हो फिर भी अगर आपको कर्नाटक में चाहिए तो उसके लिए ओपन अदर स्टेट कैटेगरी है, उसमें फीस स्ट्रक्चर आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है, 28 से 40 लाख रुपीज़ पर ईयर का रहता है और उसमें कुछ निगोशिएबल पार्ट रहता है, लास्ट ईयर ऐसा रहा था। तो उसमें क्या ना कि आपकी कितनी भी स्कोरिंग हो आपको इजीली मिल जाएगा, फिर तो आपको डीम्ड भी लेना है वो भी मिल जाता है यार, है ना। तो फीस ओवरऑल मैटर करती है। लास्ट के जो चार कॉलेज अब वो ये हैं, एसडीएम धारवाड़ है, डॉक्टर चंद्रमा है, और उसके बाद में एक खाजा बंदे एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जो इसकी काफ़ी कट ऑफ एक्सटेंडेड जाती है। तो आई थिंक ये वाला आपको पार्ट समझ में आ गया होगा कि कितनी रैंक तक कौन से फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज मिल रहे हैं। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए अपडेट, किसी नए रिसर्च और डेटा के साथ में। अगर आपको कुछ भी पेड काउंसलिंग सर्विसेज वगैरह भी लेनी है, कुछ डाउट क्वेरीज कन्फ्यूजन है ढेर सारे, आप काउंसलिंग कर रहे हो, आपको आप चाह रहे हो कि आप मेरे गाइडेंस में कर लो, पर्सनलाइज काउंसलिंग लेना चाह रहे हो, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। बाय बाय।